बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टुडे आवर टॉपिक इज टॉपिक 5.1, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, चैप्टर 5। सो द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या होती है, सबसे पहले हम ये देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ न्यूटन्स ऑब्जर्वेशन। जो न्यूटन ने ऑब्जर्वेशन की थी ग्रेविटेशन की फोर्स के हवाले से, उसके ऊपर ये बेस करते हैं। और उन ऑब्जर्वेशन के मुताबिक न्यूटन ने क्या कंक्लूड किया था, ऑन द बेसिस ऑफ हिज ऑब्जर्वेशन न्यूटन कंक्लूडेड दैट द फोर्स विच कॉजेज एन एपल टू फॉल ऑन द अर्थ एंड द फोर्स विच कीप्स द मून इन इट्स ऑर्बिट्स आर द सेम इन नेचर। तो न्यूटन ने ये कंक्लूड किया था कि वो फोर्स जो कि एप्पल को ज़मीन की तरफ अट्रैक्ट करती है, उसको नीचे गिरने पर मजबूर करती है, और वो फोर्स जो कि मून को उसके ऑर्बिट्स में जो है वो रिवॉल्व करती है, यानी कि ज़मीन के वो चक्कर लगाता है, तो वो जो दोनों फोर्सेज हैं वो सेम है। ही फर्दर कंक्लूडेड दैट देयर एग्जिस्ट अ फोर्स ड्यू टू विच एवरी बॉडी ऑफ द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी। तो उसने ये भी जो है वो कंक्लूड किया, तो उसने भी नतीजे हासिल किए थे कि यही वो फोर्स है जिसकी वजह से एक ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिवर्स में दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। ही नेम दिस फोर्स द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। उसने जो है वो इस फोर्स को फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का नाम दिया था। अब हम ये लिखते हुए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, इसको डिफाइन करेंगे। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है उसको डिफाइन कर लेते हैं, द बॉडी ड्यू टू विच द फोर्स ड्यू टू विच एवरी बॉडी ऑफ दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी। ठीक है, ये इसकी वैलिड डेफिनेशन है। जब मैंने आपको जूम कर इन कर दिया, आप वो देख लें, उसके बाद आप जो है वो इसके एक्सप्लेनेशन में ये ऊपर वाला पैराग्राफ जो है ये लिख देंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक यहाँ पे क्लोज हो गया।